कौन सी सेना माया से निर्मित? किससे युद्ध लड़ना है हम ये कैसे जान सकते हैं? जयदेव, आप बड़ा सा पत्थर उठाकर इसे जल में फेंकिए। जिन सैनिकों पर जल का प्रभाव नहीं हुआ वे माया जाल हैं। आक्रमण इधर ही करना है। साथियों, आक्रमण आक्रमण। अकंपासुर की सेना तो निर्बल करती जा रही है, किंतु अकंपासुर कहाँ है? राधा, कृष्ण और अकंपासुर के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया है। मैंने कहा था ना कि कृष्ण आने ही वाला है। अब बहुत ही शीघ्र मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और अब मैं कृष्ण के साथ अपने गांव वृंदावन चली आऊंगी। किंतु मुझे आपकी याद बहुत आएगी। आप नहीं होते तो मैं यहाँ कैसे रह पाती? कृष्णा को मैं आपके विषय में अवश्य ही बताऊंगी। ये तो मेरा सौभाग्य है राधा। मैं स्वयं चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही यहाँ से मुक्त होकर अपने घर चली जाओ, लेकिन अकंपासुर को मारना इतना सरल नहीं है राधा। ये रहस्य बहुत कम असुर जानते हैं कि अकंपासुर के प्राण एक कवच के अंदर स्थित है और वो प्रत्येक युद्ध में उसे धारण करता है। जब तक कि वह कवच उसके शरीर पर है वो मारा नहीं जा सकता राधा। किंतु ये रहस्य काना तक कैसे पहुंचाया जाए? आओ अकंपासुर, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। नहीं कृष्णा, स्वागत तो मैं तुम्हारा करूंगा क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो। कृष्णा, देखा कैसे तुम्हारी दैवीय शक्ति मेरे समक्ष तिल पड़ गई।